ट्रक में जाकर बस मारी है, तो बच्चों से जैसे कि पता लगा है, बच्चे बता रहे कि ड्राइवर बहुत ही तेज चला रहा था बस को और ओवरटेक करते हुए मारी है। और अभी कुशी महमदपुर गांव के लोगों से मुझे जो पता लगा, जानकारी मिली। निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों आज सुबह सुबह एक बहुत ही बुरी खबर सढौरा से मिली है, जहां पर एक स्कूल बस का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। और ये एक्सीडेंट जहां पर हुआ है, ईदगाह सढौरा के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट वाली जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये कांच यहाँ पर बस का बिखरा हुआ है और ये पूरी एक डैमेज एक तरह से हो चुकी है बस। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर जो बस का ड्राइवर था, स्कूल बस का ड्राइवर था, उसकी गलती के कारण ये एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो एक खड़े हुए ट्रक में ओवरटेक करते वक्त उन्होंने बस को ठोक दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और हादसे में जो कंडक्टर था उनके साथ, वो बुरी तरह से घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि वो बेहोश हो गए, और एक मैडम भी इस हादसे में घायल हो गई। कुछ बच्चों को भी इस पूरे हादसे में चोट आई है। तो हमारे साथ इस वक्त सतनाम जी मौजूद हैं, समाज सेवी सढौरा से। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला यहाँ पर घटा है। मुझे थोड़ी देर पहले ही जानकारी जैसे मिली कि कोई स्कूल की बस है, वो बस में जाके लगी है, तो मैं घटनास्थल पर पहुंचा देखने के लिए कि किन किन बच्चों को चोट लगी है, ताकि उनकी मदद की जा सके। तो जब आके देखा है कि ट्रक तो साइड में खड़ा हुआ, अपनी साइड में कच्चे में, बस वाले ने ओवरटेक करते हुए ट्रक में जाकर बस मारी है। तो बच्चों से जैसे कि पता लगा है, बच्चे बता रहे कि ड्राइवर बहुत ही तेज चला रहा था बस को और ओवरटेक करते हुए मारी है। और अभी कुशी महमदपुर गांव के लोगों से मुझे जो पता लगा, जानकारी मिली है, उसमें ये पता लगा है कि इस बस का जो मेन ड्राइवर था, वो कल परसों ही इंजर्ड हुआ है, बस के नीचे बड़ा हुआ था महमदपुर में ही ठीक करने के लिए, तो कंडक्टर द्वारा सेल मार दी गई और बस उसके ऊपर चढ़ गई और वो आज PGI में एडमिट है। ये ड्राइवर नगद में भेजा हुआ था दिहाड़ी में जी, और मुझे लगता नहीं कि उसके पास लाइसेंस होगा, तभी वो ड्राइवर यहाँ से भाग गया है। और जो उसमें इंजर्ड हुए हैं, मेरे 17 से 20 बच्चों को चोटें लगी हैं, जिनमें से लगभग 10 बच्चों को जगाधरी या अन्य स्थानों पर रेफर कर दिया गया है, और एक मैडम है उसको भी जगाधरी रेफर किया गया है, तो उसकी चेस्ट प्रेस हो गई है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। बहुत ही बड़ी बात सतनाम भाई ने बताया कि जो इस बस का मुख्य ड्राइवर था, जो मेन ड्राइवर स्कूल की तरफ से रखा गया था, वो उसको किसी कारणवश चोट लगने की वजह से वो PGI में एडमिट है, उसकी जगह पर बैठे हुए थे जब ये हादसा हुआ ड्राइवर के साथ, बस खराब हुई है तो वो नीचे बस ठीक करने के लिए घुसा है और कंडक्टर ने चालक मार दिया, और अपनी बच्चे लदी हुई बस के नीचे आया जी वो। हाँ, ड्राइवर ऐसे बीमार नहीं हुआ जी, वो परसों ही बीमार हुआ है, अपनी स्कूल की बस के नीचे ही आया है और उसको PGI में एडमिट किया हुआ है। उसकी जगह कच्चा कोई नगद वाला ड्राइवर भेजा हुआ था, दिहाड़ी वाला जिसको कह सकते हैं हम, और शायद से उसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा, और इसी वजह से वो बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर वो भाग गया, वो जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। तो जो इसका मेन ड्राइवर था, वो परसों या चौथा एक दो दिन पहले ही इसी बस के नीचे कंडक्टर की गलती की वजह से उसके ऊपर वो बस चढ़ गई थी, वो बस में कोई ख़राबी होने की वजह से बस के नीचे बस के को ठीक करने के लिए देखने के लिए गया था, और ऊपर से कंडक्टर के द्वारा सलफ मारे जाने के कारण वो बस के नीचे आ गया, जिसकी वजह से अब वो PGI में एडमिट है। उसकी जगह पर आज ये नगद तैयार करके, जिस प्रकार से सतनाम भाई ने बताया कि नगद तैयार करके ड्राइवर भेजा गया था, हो सकता है कहीं ना कहीं इसके पास शायद ड्राइविंग लाइसेंस भी ना हो, जिसके कारण ये ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद मौके से फरार हो गया और बच्चे यहाँ पर भिलखते रहे, तड़पते रहे। कुछ राहगीरों ने आकर इस मैसेज को आम किया और सढौरा से सतनाम जैसे और भी बहुत से समाज सेवी लोग निकल कर आए और बच्चों को सढौरा के जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कराया, जहां से उनको अलग अलग जगह पर रेफ़र कर दिया गया, जैसे यमुनानगर, जगाधरी, इस प्रकार से उनको रेफ़र कर दिया गया, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात उस ड्राइवर के लिए ये है कि अगर उसके साथ ही उसके पास ये गलती हो गई थी तो उसको इस प्रकार से नहीं भागना चाहिए था। तो स्कूल का जो प्रशासन है वो भी ड्राइवर का साथ देने में तुला हुआ है, जबकि वहाँ देख रहे हैं, सबको पता है कि ड्राइवर की गलती से हुआ ये हादसा, फिर भी जो है प्रशासन, जो उनका स्टाफ है, वो यही कह रहा है कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, जबकि जो बस में मौजूद टीचर थी उसने भी बोला है कि ड्राइवर की गलती से ये हादसा हुआ है। से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि किसी बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। जैसे भी हमने बातचीत की है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे थे द निराला टीवी, धन्यवाद।
क्या नाम है आपका? ललित। ललित, तो आप भी इस स्कूल में पढ़ते? कौन से स्कूल की बहन थी? जानकी जी ग्लोबल पब्लिक स्कूल। जानकी जी ग्लोबल पब्लिक स्कूल बिलासपुर। अच्छा, तो किस तरह है एक्सीडेंट? हमारे ड्राइवर ने ट्रक में मारी थी। आपके ड्राइवर ने ट्रक में मारी, तो ओवरटेक कर रहा था क्या? ओवरटेक कर रहा था। अच्छा, कितने बच्चे हो करीब उसमें? 30-35 बच्चे। तो चोट कैसी है? ज्यादा तो नहीं चोट है? वैसी चोट फिर से बच गई। अच्छा, और ड्राइवर कहाँ? ड्राइवर तो बच गया। आप इनके फादर हो क्या? ना, हमारे चाचा जिसका लड़के का। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तो गलती ड्राइवर की है जी। अच्छा। जो भी है, जैसे मैं वहाँ था, मौके पे गया था मैं वहाँ देखने, तो जो ट्रक जो है वो अपने सही साइड साइड में खड़ा था, तो बस वाले ने दूसरी साइड में जाकर ठोका है वो ट्रक। अच्छा, अच्छा। तो ड्राइवर पता लग रहा है कि मौके से फरार हो गया था साथ के साथ ही, और जो कनेक्टर था वो बेहोश हो गया था वहीं, तो कोई आया होगा वहाँ पास पूछने, तो उन्होंने निकाल लिया बच्चे बच्चों वहाँ। तो स्कूल वाले का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले? स्कूल वालों का अभी आई थी, प्रिंसिपल मैडम आई तकरीबन अभी एक घंटा लेट ही आया, हम बच्चों के पहुंचने से एक डेढ़ घंटा लेट ही आई है। जो मेजर थे जिनमें चोट ज़्यादा लगी थी उनको यमुनानगर ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया उनको। अच्छा, और कुछ स्कूल प्रशासन से क्या अपील करो? अभी कुछ कन्फर्म नहीं स्कूल प्रशासन वालों का, तो वो तो सीधा जवाब ही दे रहे हैं कि इसमें ड्राइवर की ही गलती है, वो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो बता रहे कि बोल रहे कि ड्राइवर की गलती है? हाँ, ड्राइवर की गलती है कि इसमें अब स्कूल से तो कोई लेना देना नहीं है, जो हो गया उससे तो ड्राइवर की गलती है, कैसे किया उसने, कैसे नहीं किया। ठीक है, टोटल 16 पेशेंट यहाँ पे आए थे, जिसमें से 13 चाइल्ड थे, 3 एडल्ट थे, इसमें से 3 लोग सीरियस कंडीशन में थे, उनको यमुनानगर रेफर कर दिया गया है।